अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। एक बार फिर डीजी माइंस एंड मिनरल्स ने डिप्टी कमिश्नर मलीर, एसएसपी मलीर, इनको एक और खत लिख दिया है। इससे कबल भी ये खत लिखा था, लेकिन ये एक और खत लिखा है। खत में ये कहा गया है कि अभी भी रेती और बजरी की चोरी ना रुक सकी है। उस रेती और बजरी की जो चोरी हो रही है, इसमें हमारे पास एक ही थाना है माइंस एंड मिनरल्स का, और पूरा सूबा जो है वो हमारे पास है। पुलिस की नफरी नहीं है और हमें हर्डल्स हैं। हम ज़िले ही पुलिस हमारे साथ ताउन करें, हम क्रैक डाउन करें इनके खिलाफ, और उसके बाद जो है जो इसके सही जिम्मेदारान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इससे कबल भी ये खत अरसाल किया गया था, उस पर डीसी मलीर ने भी खत लिखा था कि हमारे इलाके में कोई रेती बजरी चोरी नहीं हो रही। लेकिन अंदरूनी जराए बताते हैं कि एसएचओज और माइंस एंड मिनरल्स का जो एसएचओ है वो भी मुलविस है। कैसे, अगर एक इलाका पुलिस न चाहे, इंतजामिया न चाहे, तो किस तरीके से चोरी हो सकता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हम आपको सिस्टम का बता चुके थे कि एक नया सिस्टम इन हो चुका है और ये नया सिस्टम तमाम कारिस्तानियाँ कर रहा है। उसने सबसे पहले तो आला हुकाम के जो चहीते थे उन्हें बी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाया। पहले एसएसपीज़ के चहीतों को करवाया, फिर डीआईजीज़ के चहीतों को करवाया, और अब देखें आगे क्या कारिस्तानियाँ कर रहे हैं। मालूम ये चला है कि अदालत में भी एक शहरी ने पटीशन की है। उस पटीशन के अंदर उसमें समात भी थी, उस समात के अंदर कमिश्नर कराची, उसके अलावा डीसी मलीर और एसएचओ माइंस एंड मिनरल्स को बुलाया गया था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। और एक डीएसपी और दो एसएचओ पेश हुए थे, और ये समात जो है मज़ीद दो चार दिन के लिए जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। उसमें यह था कि पुलिस को सियासी मकासद के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं बी कंपनी की। बी कंपनी में जो अहम किरदार गए हैं, चाहे वो एसएसपी के हों चाहे डीआईजी के हों, तो अभी फ़िलहाल इनके अहम किरदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी है। और नए सिस्टम को किसी ने इतला दे दी कि भाई जो बी कंपनी गए हैं वो वहाँ से भी ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। अब तहकीकात शुरू हुई है, इन्हें शोकाज मिलना आज से शुरू हो जाएंगे या कल से शुरू हो जाएंगे, इन तमाम को शोकाज मिलेंगे, ये अपनी पोजीशन वाजे करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी ज़राए हमारे बताते हैं कि गार्डन के इलाके में बी कंपनी है, गार्डन हेडक्वार्टर में, और गार्डन के इलाके में एक निजी अस्पताल है, वहीं एक नीचे चाय का होटल है, और वहाँ बैठकर ये तमाम अफसरान और एहलकार जो हैं बी कंपनी से निकलकर वहीं से सिस्टम चला रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि वो चाय के होटल वाला भी कुछ दिन बाद जो है सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि तमाम सिस्टम वहीं से चल रहा है और उसे भी तमाम चीज़ें पता है। और जब ये पता नए सिस्टम को चली हैं तो अब ये इनको शोकाज भी जारी होना शुरू हो गए हैं। और जो नया सिस्टम है वो रेती बजरी और ईरानी तेल स्मगलिंग का सिस्टम, वो तमाम चीज़ें देख रहा है। और अब ये जो इंक्वायरियाँ होंगी ये अपनी पोजीशन वाजे करेंगे, जिसमें डीआईजीज एसएसपीज के चहीते जो हैं वो बी कंपनियों में बैठे हुए हैं। अब इन पे इल्ज़ामात थे, अब शोकाज होंगे, अब अपनी ये पोजीशन वाजे करेंगे कि बी कंपनी में बैठ कर भी ये तमाम धंधे जारी हैं और तमाम धंधे कर रहे हैं। अब नया सिस्टम इनके साथ क्या करता है और पुराना सिस्टम इनकी क्या सपोर्ट करता है, ये देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इस ज़िम्न में मज़ीद भी हम आपको कई इंकशाफात करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान। Z110 News, खबर की असल खबर।